हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पाकिस्तान रिएक्शन 2.0। मैं हूं मोहम्मद नवीद शाह और मेरे साथ हैं आज जो है हम एक स्पेशल वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया। हमने कुछ फोर्सेस देखे भी थे जब हमने मोदी की सिक्योरिटी चेक की थी, तो उसमें भी फोर्सेज कुछ हमने देखी थी। आज की वीडियो में भी हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी 5 स्पेशल फोर्सेज हैं इंडिया की। विदाउट एनी वेट सबसे पहले तो हम वीडियो देखते हैं, फिर उसके ऊपर फिर कुछ बात भी करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर आप जाने को विजिट करें। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडिया की टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस कौन कौन सी हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, स्पेशल फोर्सेस मेनली स्पेशल ऑपरेशंस के लिए बनाई जाती है और मिलिट्री की दुनिया में शायद ही कोई दूसरी यूनिट होगी जो स्पेशल फोर्स की तरह लोगों के इमेजिनेशन को कैप्चर करती हो। तो चलिए जानते हैं कि इंडिया की टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस कौन कौन सी है। नंबर 1 पर है मार्कोस। मार्कोस इंडियन नेवी की एक स्पेशल फोर्स यूनिट है जिसे पहले मरीन कमांडो फोर्स भी कहा जाता था, जो 1987 में स्टेब्लिश हुई थी। मार्कोस हर प्रकार की और हर वातावरण की लड़ाई में एक्सपर्ट होते हैं और मार्कोस को समुद्री लड़ाइयों में सबसे ज्यादा सक्षम माना जाता है। इनका मोटो है द व्यू द फियरलेस। नंबर 2 पर है पैरा स्पेशल फोर्स और पैरा कमांडोस। पैरा कमांडोस इंडियन आर्मी की एक स्पेशल फोर्स यूनिट है जो 1966 में स्टेब्लिश हुई थी। पैरा कमांडोस भारत की स्पेशल फोर्सेस का एक सबसे बड़ा हिस्सा है और पैरा कमांडोस की ट्रेनिंग इतनी टफ होती है कि इस ट्रेनिंग को 90% लोग आधे में ही छोड़ देते हैं। पैरा कमांडोस दाढ़ी वाले फौजी के नाम से भी जाने जाते हैं। नंबर 3 पर है गरुड़ स्पेशल फोर्स। गरुड़ इंडियन एयरफोर्स की एक स्पेशल फोर्स यूनिट है जो 2004 में स्टेब्लिश हुई थी। इसमें करीब 2000 कमांडोज हैं। एक गरुड़ कमांडो की ट्रेनिंग पूरी होने में लगभग 3 साल का समय लगता है। इस यूनिट का नाम गरुड़ पक्षी के नाम पर रखा गया है। पठानकोट हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स ने गरुड़ कमांडो के 10 अतिरिक्त स्क्वाड्रन बढ़ाने का फैसला किया है। नंबर 4 पर है घातक फोर्स। घातक इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री प्लाटून की एक स्पेशल ऑपरेशन फोर्स होती है जो दुश्मनों पर अचानक हमला करना या दुश्मनों के एयरबेस नष्ट करने जैसे ऑपरेशंस को अंजाम देने के काम आती है। हर इन्फेंट्री प्लाटून में करीब 20 घातक फोर्स के जवान होते हैं। घातक फोर्स के कमांडोज को हर तरह के एनवायरमेंट में लड़ने की एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर 5 पर है एनएसजी कमांडोज। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी कमांडोज को ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत की सबसे प्रमुख सिक्योरिटी फोर्स में से एक है। इसका इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने और राज्य में हो रहे इंटरनल डिस्टर्बेंस को संभालने के लिए किया जाता है। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इसकी स्थापना की गई थी। एनएसजी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है और इसको इंडियन पुलिस सर्विस के डायरेक्टर जनरल लीड करते हैं। एनएसजी फोर्स 2 भागों में डिवाइड है, एक स्पेशल एक्शन ग्रुप और दूसरा स्पेशल रेंजर ग्रुप। एनएसजी कमांडोज दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। तो ये थी इंडिया की टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस। जी, देखा हमने इंडिया की टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस। सबसे पहली चीज, जितने भी फोर्सेस हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है तो वो बहुत सख्त होती है जी। भले अगर आप जो है ना कम कोई भी 5-6 में से अगर आप ले लें तो एक एक के ऊपर इतनी मेहनत होती है। बिल्कुल इसी तरह से। तो इस तरह से ये जो है ना कमांडो नहीं बनते या इस तरह की फौजी नहीं बनते। कोई भी जवान इतने आसानी से तैयार नहीं होता। इवन के सिंपल आर्मी की अगर हम ट्रेनिंग देखें तो वो इतनी सख्त होती है। कई लोग तो उसी छोड़कर चले जाते हैं और कई लोग अनफिट हो जाते हैं क्योंकि इतनी सख्त ट्रेनिंग होती है। तो बड़ा जिगर वाला काम होता है जी इस तरह के फोर्सेज में, क्योंकि स्पेशल फोर्सेज होती हैं और बड़े खतरनाक किस्म के जो है ना इन्होंने ऑपरेशंस करने होते हैं। बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी जी, हमें बहुत पसंद आई। आप लोगों को कैसी लगी जरूर अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।